वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये प्लांट देखिए, गुजरते मॉनसून के साथ हमने उसका ट्रिमिंग किया था और ट्रिमिंग के बाद ये ग्रोथ है, अब नया ग्रोथ आने वाला है। तो ये वक्त है कि हम फिर से ट्रिमिंग कर दें और आने वाले जो ग्रोइंग सीजन है नेक्स्ट ईयर का, उसके लिए हम इस प्लांट को तैयार करें या उसका फ्रेमवर्क डिजाइन करें। तो बहुत ही बढ़िया सा ग्रोथ मिला है। ये रिपोर्टिंग के बाद मैंने इस रोक को बीच में रखा था और ये देखिए यहाँ ये स्टोन के साथ स्टिक होने की कोशिश की है यहाँ, और यहाँ देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टोन के साथ। तो इस तरह से ये स्टोन उस स्टोन को ये अडॉप्ट कर लेगा अगले साल मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ होता है स्प्रिंग के बाद मॉनसून में मेरे ख्याल से, और उसको हम वाइगरली ग्रो होने देते हैं। मगर किस ग्रोथ को, अब जो ट्रिमिंग होगा उसके बाद जो ग्रोथ आएगा उसको हम लेट मॉनसून तक हमें रखना है और बाद में गुजरते मॉनसून में उसको ट्रिम करना है। यहाँ देखिए कितना अच्छी तरह से हीलिंग हुआ है मगर। तो चलिए उसका मैं ट्रिमिंग करके वायरिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर सीखना है तो ध्यान से देखिए कि हम वायरिंग तो कर लेते हैं मगर जब बेंडिंग करने की बात आती है तो हमारा दिमाग चकराने लगता है कि बेंडिंग के वक्त ज़्यादा ब्रांचें भी टूटने लगती है। तो ये देखिए कर्व, मगर यहाँ से हमें आगे जाना है, मगर ये लीडर है वो भी ध्यान में रखना है। तो थोड़ा बैक जाएंगे हम यहाँ से इधर, और कहाँ से टर्न लेना है दोस्तों, यहाँ पीछे एक इंटर नोड है वहाँ से, और बहुत ही सावधानी से क्योंकि ये टेंडर नहीं है ब्रांच, और उसको थोड़ा अंदर की ओर इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ से हम बाहर की ओर आएंगे। देखिए चटकने की आवाज़, ये नॉर्मल है और ये प्लांट भी नॉर्मल है दोस्तों, क्योंकि इतना चटकेगा तो ये सर्वाइव करेगा। और दूसरा टर्न लेंगे हम थोड़ा सा बैक की ओर, यानी इस ब्रांच के लिए। तो इस तरह से हम बेंड कर सकते हैं। देखिए जहाँ इंटरनोड है, अगर आप ट्रिमिंग कर रहे हैं तो तीन लीफ रखिए, 1 2 3। पहला बेंड होता है पहली ब्रांच पे, दूसरा उसके ऊपर और तीसरा यहाँ। तो यहाँ से जो भी ब्रांचें निकलेगी वो सेफ डिस्टेंस पे होगी और बहुत ही बढ़िया से हमारा जो प्लांट है वो फॉर्म होगा, डिजाइन होगा। देखिए सब जगह इस तरह से मैंने किया है, यहाँ एक इंटर। तो ये ही मेथड है दोस्तों, टर्न कहाँ से ले, तो टर्न ले इंटर नोड से। यहाँ देखिए यहाँ से ब्रांच ग्रो हुई है, थोड़ा आगे आते हैं और यहाँ लीफ है, लीफ का इंटर नोड है। देखिए काम हो गया हमारा, बेंडिंग मिल गया, यहाँ से ब्रांच ग्रो होगी और एक यहाँ होगी। उसको इसी तरह से ब्रांचिंग पैड्स बनाने हैं हमें, यह प्राइमरी शेपिंग है और लोअर ब्रांच, इस तरह की ब्रांच कोई नहीं रखता मगर मैंने रखी है। ये बहुत सी बार डैमेज हुई, यहाँ हुई थी, यहाँ हुई थी पहले। अगर किसी ने वीडियो देखा हो इस प्लांट के साथ तो सबको अच्छे से याद होगा। तो इस तरह से हमें बैंड लेना है, जहाँ लीफ है थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जहाँ लीफ होता है वहाँ से सी बना बाहर की ओर करना है। अगर ये चीज़ आ गई तो आप कौन सा भी प्लांट हो, कैसा भी प्लांट हो, आप स्टाइल कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ऊपर की सभी प्राइमरी ब्रांचेस है, चूँकि यहाँ ब्रांचिंग होने के बाद ब्रांचिंग हुई है तो ये सेकेंडरी ब्रांच कह सकते हैं हम, भले ही ये प्राइमरी पहली ब्रांच है। तो अब हम देखेंगे तो ये ट्रेडिशनल शेप में नज़र आएगा, एक त्रिकोण, जो समझने वाले हैं वो समझ चुके होंगे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। और इसका रिपोर्टिंग नहीं होगा तो मैं ऊपर टॉप पे कुछ नई सोइल दे दूँगा। तो देखिए प्लांट की डिज़ाइन, ओवरऑल लुक नेचुरल आना चाहिए, स्टाइल कैसी भी हो, कोई भी स्टाइल चाहे हो, मगर उसका शेप हमें अच्छे से करना है और अच्छे से रोक। अगर दोस्तों सही से आपको कुछ ट्रेनिंग या सोइल मिक्स सब अगर आपको जम जाता है, आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगते हैं, तो बोनसाई ट्रेनिंग में बहुत ही मज़े हो जाते हैं मेरे ख्याल से। तो
बढ़िया लगता है। एक छोटा सा प्लांट 3-4 साल में ये बढ़ चुका है। ये पुराना प्लांट तो है मगर उसकी सही ट्रेनिंग पिछले साल से शुरू हुई थी। उसको मैंने दिया था एयरपोर्ट कह सकते हैं, बहुत ही होल वाला। उसके बाद उसको मैंने, उससे पहले भी मैंने रूट ओवर रॉक किया था, ज़मीन पे था, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ तो मैंने नया सोयल मिक्स में डाला और उसके बाद पिछले साल इस पोट में डाला है। तो उसके बाद जो उसका ग्रोथ हुआ है दोस्तों, देखने लायक है। और एक कह सकता हूँ कि अब मेरे पास एक प्लांट है जो जिसे मैं बोनसाई बोल सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।